या अभिमान। मौत के रहते भी मनुष्य अभिमानी है, यह आश्चर्य है। अगर मौत न होती तो दुनिया का क्या हाल होता कहना मुश्किल है। अगर मौत न होती तो कैसा भयंकर अभिमान होता दुनिया में कहना मुश्किल है। मौत है फिर भी अभिमान है, अकड़ है। मौत को झुटला के भुला के आदमी अकड़ा चला जाता है। जरा देखो, जरा पहचानो, जिस जमीन पे तुम बैठे हो, वैज्ञानिक कहते हैं उस जमीन पर, जिस जमीन पे तुम बैठे हो उस पर कम से कम 8 आदमियों की लाशें मिट्टी बन चुकी। इतने आदमी इस जमीन पर रह चुके। यहां ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मरघट न बन चुका हो। मरघट बस्तियां बन जाते हैं, बस्तियां मरघट बन जाते हैं, यह बदलाहट होती रहती, ये होती रहती। हरप्पा मोहनजोदड़ो की खोज हुई, हरप्पा के नगर की खुदाई में बड़ी हैरानी हुई। 7 परतें मिली हरप्पा की खुदाई में, मतलब हरप्पा नगर 7 बार बसा और उजड़ा, 7 बार बस्ती बसी और मरघट बना। 7 परतें, सदियां लगी होंगी, हजारों हजारों साल लगे होंगे किसी नगर को बसने और उजड़ने में। 7 बार काफी समय लगेगा। सारी जमीन बस चुकी, उजड़ चुकी, लोगों ने घर बनाए और वहीं कब्रें बनी। जहां अकल के खड़े हुए वहीं धूल में गिर गए। एक बार जब कोई लौट के पीछे देखता, कितने कितने लोग इस जमीन पर रह चुके और गए, और कितने लोग अभी हैं और चले जाएंगे, और कितने लोग आएंगे और जाते रहेंगे, इस विस्तार को तुम जरा गौर करो, तुम्हारी अकल एकदम छोटी हो जाएगी। आदमी बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है। 70 साल जी लेना क्षण भर जैसा है इस विराट के विस्तार में। जमीन की उम्र 4 अरब वर्ष है। अब तक जमीन 4 अरब वर्ष से जिंदा है। सूरज जमीन से हजारों गुना पुराना है, और हमारा सूरज बहुत जवान है, बूढ़े सूरज है। हमारी जमीन तो बहुत नई है, नई नवेली बहु समझो, इसलिए इतनी हरी भरी। बहुत सी पृथ्वियां हैं दुनिया में जो उजड़ गई, जहां अब सिर्फ राख ही राख रह गई। न वृक्ष उगते, न मेघ घिरते, न कोयल कूकती, न मोर नाचते। अनंत पृथ्वियां हैं, वैज्ञानिक कहते, जो सूख गई। कभी वहां भी जीवन था, कभी ये पृथ्वी भी सूख जाएगी। हर चीज पैदा होती, जवान होती, बूढ़ी होती, मरती। ये सूरज भी चुक जाएगा। ये सूरज भी रोज चुक रहा है, क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही, इससे किरणें रोज निकल रही हैं और समाप्त होती जा रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ हजार वर्षों में यह सूरज ठंडा पड़ जाएगा। इस सूरज के ठंडे पड़ते ही पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसी से तो इसको रोशनी मिलती, प्राण मिलते, ताप मिलता, ऊर्जा मिलती, ऊष्मा मिलती। उसी से तो उत्तप्त होकर जीवन चलता है। फूल खिलते हैं, वृक्ष हरे होते हैं, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हमारा तो 70 साल का जीवन है, ये पृथ्वी का समझो कि 70 अरब वर्ष का होगा। सूरज का और समझो 700 अरब वर्ष का होगा, और महासूर्य हैं जिनका और आगे आगे होगा। आदमी की विसात क्या है इस 70 साल के जीवन में, मगर हम कितने अकड़ लेते। एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे। लड़ लेते, झगड़ लेते, गाली गलौज कर लेते, दोस्ती दुश्मनी कर लेते, अपना पराया कर लेते, मैं तू की बड़ी झंझटें खड़ी कर देते। अदालतों में मुकदमेबाजी हो जाती, सिर खुल जाते। अगर हम मृत्यु को ठीक से पहचान लें तो इस पृथ्वी पर वैर का कारण न रह जाए।
जहां से चले जाना है वहां वैर क्या करना है, जहां से चले जाना है वहां दो घड़ी का प्रेम ही कर ले, जहां से विदा ही हो जाना है वहां गीत क्यों ना गा ले, गाली क्यों बके, जिनसे छूट ही जाना होगा सदा को उनके और अपने बीच दुर्भाव क्यों पैदा करें, कांटे क्यों बोएं, थोड़े फूल उगा लें, थोड़ा उत्सव मना ले, थोड़े दिए जला ले। इसी को मैं धर्म कहता हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में यह स्मरण आ जाता है कि मृत्यु सब छीन ही लेगी, ये दो घड़ी का जीवन इसको उत्सव में क्यों ना रूपांतरित करें, इस दो घड़ी के जीवन को प्रार्थना क्यों ना बनाएं, पूजन क्यों ना बनाएं, झुक क्यों ना जाएं कृतज्ञता में, धन्यवाद में, आभार में, नाचें क्यों ना, एक दूसरे के गले में बाहें क्यों ना डाल दें, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो क्षण भर मिला है हमें, इस क्षण भर को हम सुगंधित क्यों ना करें, इसको हम धूप के धुएं की भांति क्यों पवित्र ना करें कि ये उठे आकाश की तरफ, प्रभु की गूंज बने। एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे, हरिहां वाजिद ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे। आता ही होगा बाज, कभी भी झपट ले जाएगा। इसके पहले कि बाज झपट ले, तुम स्वयं ही जागो।